हेलो बच्चों, अपन बायोटेक्नोलॉजी का 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आज टॉपिक लेके आए अपन नैतिक मुद्दे। जो नैतिक मुद्दे हैं वो अपन टॉपिक लेके आए। नैतिक मुद्दे क्या होते हैं? इथिकल इश्यू। नैतिक मुद्दे में अपन को समझना है, इसमें दो तीन परिभाषा है। एक तो इसमें क्या है, जीई अपने क्या है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। इसका पूरा नाम पूछा जाता है, जीईएसी का पूरा नाम बताओ। एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा इसमें है बायो पेटेंट का क्वेश्चन बनता है, बायो पेटेंट क्या होता है। और तीसरा इसके अंदर बनता है अपने बायो पायरेसी। तो तीन क्वेश्चन इसमें छोटे छोटे बनते हैं, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट और फिर बनता है जीईएसी का पूरा नाम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नैतिक मुद्दे की चर्चा करते हैं। नैतिक मुद्दों का मतलब यह है कि आज के समय में क्या होता है, जो जीव होते हैं उन जीवों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, उन जीवों के ऊपर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और उन्हें क्या किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदल दिया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंदर बदल दिया जाता है। जैसे कि कोई ये जीव है, इस जीव है मान लो चूहा, मान लो चूहे के ऊपर प्रयोग किया और प्रयोग करके उसके अंदर जैसे उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अन्य अंग विकसित कर लिया, जैसे उसके ऊपर कान विकसित कर लिए, या जैसे चूहा है चूहे के अंदर क्या है, कैंसर वाला जीन डाल दिया और कैंसर का अध्ययन कर लिया। तो जीवों के ऊपर क्या किया जाता है, जीवों के ऊपर अनुवांशिक प्रयोग किए जाते हैं। जीव होते हैं उसमें पराजीन डाले जाते हैं और उन्हें अनुवांशिक रूप से रूपांतरित किया जाता है। तो क्या होता है कि आपको पता ही है कि जैसे ही ये प्रयोग किए जाते हैं तो अखबार के अंदर क्या होते हैं, वो प्रयोग छपते हैं। तो कुछ संस्था होती हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं, वो संस्थाएं क्या करती हैं, उस चीज को मुद्दा बना लेती हैं और वो कहती हैं कि ये इस जीव के साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उस जीव के साथ अन्याय हो रहा है। वो खड़ी हो जाती है, वो उसको क्या मानती है, नैतिक मुद्दा मानती है कि यानी उसके जीव के अनुवांशिक पदार्थ से उसको आप बदल रहे हो, जीव है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो और उस जाति के अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सकता है। ये क्या होता है, ये मुद्दे काफी उछलते हैं। अब मुद्दे उछलते हैं, नेचुरल सी बात है, जैसे आपको पता ही एक नॉर्मल बात है कि मानव अधिकार आयोग है, क्या है, मानव अधिकार आयोग है। जैसे किसी की क्या होती है, हत्या होती है, जैसे एक आतंकवादी मारा जाता है या कोई अन्य आदमी मारा जाता है या किसी के साथ क्या होता है, गलत हो जाता है, तो ये मानव अधिकार आयोग क्या करता है, वहां पहुंच जाता है और पहुंच के क्या करता है, वहां उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात करता है। तो इसी तरह से नैतिक मुद्दा यही है अपने सामने कि जैसे जीव है, जीव पर प्रयोग किया जाता है और उसके अंदर पराजीन डाले जाते हैं और उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदल दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जीव है उसके अंदर अन्याय हो रहा है, इसके अनुवांशिक पदार्थ को बदला जा रहा है और उसकी मूल जाति खत्म हो रही है, उसके जो मेन लक्षण है वो खत्म हो रहे हैं। तो यही अपने नैतिक मुद्दा है। तो इस नैतिक मुद्दा होता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे किसी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदला जाता है किसी जीव को, तो उस जीव को क्या किया जाता है, एक कमिटी होती है, उस कमिटी के सामने पेश किया जाता है। या किसी जीव पर अगर प्रयोग करना है, अगर किसी जीव पर प्रयोग करना है तो इस कमिटी से क्या लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। अगर ये कमिटी इसको अनुमति देती है तो क्या होता है कि उस पर प्रयोग किए जा सकते हैं। अब भारत सरकार ने एक कमिटी गठित कर दी है जिसका नाम होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद अप्रूवल कमिटी, ये कमिटी है वो गठित करती है। ठीक है, ये कमिटी क्या करती है कि इन सब पहलुओं का अध्ययन करती है, यानी अनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसका नाम पूछा जाता है अनुवांशिक अभियांत्रिकी। फिर उसके बाद अपन कहते हैं सास्तुति। ये सारी स्तुति क्या है, कमेटी है, वो कमेटी क्या करती है, इसकी पूरी जांच करती है और उसके बाद क्या देती है, इसकी परमिशन देती है। अगर उनको लगता है
कि ये जीव है इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, इसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, तब तो वो क्या करती है, परमिशन दे देती है कि आपको परमिशन दी जाती है कि आप इस जीव के ऊपर प्रयोग करो और आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में बदल दो उसको। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है नैतिक मुद्दों के अंदर कि जीईएसी क्या है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट अपने अगला बनता है बायो पेटेंट क्या है। बायो पेटेंट समझाते हैं आपको बच्चों, आप लोग पढ़े करो और अच्छी तरह लिख लिख कर याद करो, बहुत सरल है बायोलॉजी। अब बायो पेटेंट क्या है, बायो पेटेंट का मतलब सबसे पहले पेटेंट समझना है कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट का मतलब यही है कि आप किसी चीज को बनाते हो, आपने किसी चीज का निर्माण किया है, उसके बाद बनाने के बनाया जाता है आपके द्वारा किसी चीज को, तो क्या होता है उसको बेचना, उसके बेचने व उसके लाभ के हकदार आप होते हो। ठीक है, आज इसे प्रयोगशाला में काम करते हो और आप प्रयोगशाला में काम करते हो 10-15 साल, फिर उसके बाद आप कोई दवाई बनाते हो, उस दवाई से क्या होता है जैसे कैंसर का इलाज हो जाता है, तो आपको क्या है इस दवाई को बेचने का अधिकार है और इससे जितना लाभ प्राप्त होता है उस लाभ को आप क्या कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। तो उससे पहले आपको ये क्या होता है इस दवाई का पेटेंट करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब यही पेटेंट है किसी भी वस्तु को बेचना और उस पर स्वामित्व का अधिकार और उसके समस्त जो लाभ है उन पर अधिकार होता है उसको कहा जाता है पेटेंट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है जैसे किसी ने क्या बनाया, एक ऐसा पंखा बनाया जो काफी तेज चलता है और लाइट बहुत कम खाता है। ठीक है, हवा बहुत अच्छी देता है, लाइट कम खाता है और कभी खराब नहीं होता है, तो क्या होता है उसको बेचने का अधिकार होता है, वो खुद रखता है या वो दूसरों को दे सकता है। जैसे मान लो क्या है, ओरिएंट कंपनी ने पंखा बनाया है, अब इसके बाद क्या होता है ये ओरिएंट कंपनी चाहे तो और किसी को क्या कर सकती है, इस पंखे को बेचने का अधिकार दे सकती है और उसका जो लाभ जो वो कंपनी कमाएगी उसमें से अपना हिस्सा ले सकती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने क्या किया, एक व्यक्ति ने मान लो अनुसंधान किया और क्या कर लिया कि एक ऐसा फ्रिज बना दिया, एक ऐसा फ्रिज बना दिया जो क्या है कूलिंग करता हो और हीटिंग भी करता हो, जो कूल भी करे किसी चीज को और हीट भी करे। जैसे आज आपको किसी वस्तु को गर्म करना है तो वो क्या करता है ओवन का काम भी कर दे और आपको बर्फ चाहिए तो कूलिंग का काम भी कर दे, यानी ऐसी वस्तु बना दी जो फ्रिज और ओवन दोनों का काम करे, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है उसके पास में बहुत सारी कंपनी आएगी, जैसे उसके पास में गोदरेज आएगी, जैसे उसके पास में बहुत सारी और दूसरी कंपनियां एलजी आएगी, वीडियोकॉन आएगी और सब कहेगी आप ये हमें अपना प्रोडक्ट है उसको दो, हम उसको बेचेंगे और उसका मुनाफा आपको भी देंगे, हम भी देंगे। लेकिन वो व्यक्ति समझदार होता है, सबसे पहले क्या करता है वो उसका पेटेंट कराता है। पेटेंट इन द सेंस उसको बेचने का अधिकार और उसको स्वामित्व का अधिकार उसका होगा और उसमें जो लाभ होगा उसको मिलेगा, तो ये क्या है ये पेटेंट होता है। अब बायो पेटेंट का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जीव विज्ञान की श्रेणी में आती है जिनमें जीवन होता है उनका पेटेंट किया जाता है, तो उसको कहते हैं बायो पेटेंट। अब क्या है कि आपको पता ही है कि भारत के अंदर क्या होता है धान का उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में, चावल बनता है लगभग भारत के अंदर 2 लाख किस्में ऐसी हैं जो क्या है चावल की भारत में पाई जाती है। ठीक है, धान की 2 लाख किस्में होती है जो भारत के अंदर पाई जाती हैं, ये आप ध्यान से सुनना। अब उसमें से क्या है एक बासमती किस्म होती है, बासमती चावल ऐसा होता है जो प्रोटीन से भरपूर होता है और जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये प्रोटीन से भरपूर होता है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। ये बासमती की 27 किस्में लगभग भारत में पाई जाती हैं, ठीक है, अकेले भारत के अंदर। लेकिन क्या हुआ अमेरिका की एक किस्म है, अमेरिका है उसकी एक कंपनी है राइस टेक, अमेरिका की एक कंपनी है राइस टेक, उसने क्या किया ये भारत का चावल लिया बासमती, भारत का ये बासमती चावल लिया, इसको बोने चावल के साथ संकरण करवाया, इसको बोने चावल के साथ संकरण करवाया और एक नई किस्म बनाई, उसको नाम दिया बासमती। ठीक है, उसको बासमती नाम दिया और कहा कि हमने इसको बनाया है, कंपनी ने कहा ये बासमती चावल हमने बनाया है, उसके बाद उसका बायो पेटेंट करवा लिया। तो क्या होते हैं जो प्रारंभ जो
किसान खेती कर रहा है, जो किसान खेती पारंपरिक खेती कर रहा है और जहां उसकी मूल कृषि होती है वहां से क्या किया जाता है, इन कंपनियों द्वारा क्या किए जाते हैं, ये किस्में उठाई जाती हैं और इनका पेटेंट कर लिया जाता है। जैसे भारत में नीम है, जैसे भारत की हल्दी है, इनका भी पेटेंट अमेरिका की कंपनियों ने करा रखा है। यहां तक कि आपको ये बताना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बनती भारत के अंदर है, वेद पुराण अर्थशास्त्र ये जितने भी जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अंदर ये बताया हुआ है कि चीज भारत की है और भारत का इसमें स्वामित्व है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनियां होती है, अमेरिका की कंपनी, जैसे इस कंपनी ने क्या किया कि बासमती चावल जो भारत का है उस भारत के चावल को बोनी चावल के साथ संकरण करवाया और एक नई किस्म बनाई, उस किस्म का उसने बायो पेटेंट करवा लिया। अब भारत क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, उसने कई दावे पेश किए हैं लेकिन वो दावे हैं वो सफल नहीं माने जाते हैं। तो इस तरह से बायो पेटेंट होता है उसको अपन को ध्यान रखना है। तो ये हो गया बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बासमती किस्म है उसको किस देश ने पेटेंट करा लिया है, अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया है। उसने कैसे किया, बासमती जो भारत की किस्म है उसको बोने चावल बोने किस्म के साथ संकरण करवाया और या उसके अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक जीन डाले और उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया और एक नई बासमती किस्म बना दी और कहा कि यह हमारे द्वारा निर्मित की गई है। तो ये है अपने बायो पेटेंट, ठीक है। अब इसके बाद बायो पेटेंट से मिलता है बायो पायरेसी। एक्चुअल में ये बायो पेटेंट में क्या होता है, जो किसान है जो मूल कृषि की विधियां हैं उन विधियों को चुराया जाता है और क्या किया जाता है कि किसान के साथ धोखा किया जाता है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, उनको आप प्रोडक्ट बेच देती है। अब दो तरह के देश होते हैं, एक होते हैं विकसित देश और एक होते हैं विकासशील देश। क्या होते हैं, विकासशील देश। विकसित देश होता है उसके पास में क्या होता है, वो आर्थिक रूप से मजबूत होता है और वो औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत होता है। विकसित देश की विशेषता ये होती है कि वो आर्थिक रूप से काफी मजबूत है, यानी उसके पास पैसा खूब है और औद्योगिक रूप से भी मजबूत है क्योंकि उसके पास में बहुत सारे अपने उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। और विकासशील देश जो अभी विकास कर रहा है वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है और औद्योगिक रूप से भी कमजोर होता है, औद्योगिक कल कारखाने भी उसके पास कम होते हैं और इसके लेकिन इसके पास क्या होते हैं, अपने जैव संसाधन अधिक होते हैं, यानी इनके पास जैव संसाधन अधिक है, जैव संसाधन अधिक है, इनके पास जैव विविधता अधिक है, इनके पास में क्या है कि खनिज संपदा अधिक है, ठीक है, इनके पास खनिज संपदा अधिक है, जैव विविधता अधिक है और इनके पास में जैव संसाधन अधिक है। लेकिन ये जो विकसित देश है इनकी कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां इन देशों से क्या करती हैं, जो अच्छे अच्छे किस्म के उत्पाद होते हैं, जो जैव संसाधन होते हैं उनका भुगतान नहीं करती हैं, उनका भुगतान नहीं करती हैं और क्या करती हैं, इनको जैव संसाधनों को चुरा लेती हैं और फिर उससे क्या होती है, मुनाफा कमाना शुरू कर देती हैं। तो इसी को कहा जाता है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है, पायरेसी मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज को चुरा लेते हो। जैसे आपने देखा कि आपका दोस्त है वो एक क्या बनाता है, फिल्म बनाता है, ठीक है, वो फिल्म आपको लगती है सुपर हिट है तो आप उस फिल्म को पूरी को चुरा लेते हो और आप क्या करते हो, यूट्यूब पर चढ़ा देते हो, ठीक है, आप कहते हो ये मैंने बनाई है तो सारा मुनाफा आप ले लेते हो। वैसे ही क्या होती है, ये मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती है, जो जैव संसाधन होते हैं, जैव विविधता होती है उसका भुगतान किए बिना उनका दोहन करना प्रारंभ कर देती है। यानी जैव संसाधन या जैव विविधता या खनिज संपदा है उसका भुगतान किए बिना उनका क्या करना शुरू कर देती है, दोहन करना शुरू कर देती है। तो ये क्या है, ये है बायो पायरेसी। क्या है, बायो पायरेसी। तो बायो पायरेसी का मतलब है आप क्या करते हो कि किसी, जैसे आपका दोस्त ही है उसके पास में क्या है, बहुत ज्यादा संसाधन है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है तो आप उसके संसाधन चुरा लेते हो और फिर उन संसाधनों में अपना पैसा डालते हो और फिर उसको बेचना शुरू कर देते हो। तो ये विकासशील देशों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, उनके पास कंपनी संपदा है, उनके पास जैव विविधता है, उनके पास जैव संसाधन है लेकिन इनका उपयोग कौन कर रहा है, ये विकसित देश कर रहे हैं। विकसित देश की मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं कि उनको भुगतान किए बिना
उनका दोहन करना प्रारंभ कर देती हैं, तो ये कहलाता है बायोपायरेसी। अब भारत सरकार ने भी क्या है, एक कानून बना दिया है कि कोई भी किसी प्रकार की अगर जैव संसाधन है उसका उपयोग हो रहा है तो उसके उपयोग की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जैव संसाधन है उसका दोहन करने से पहले, जैव संसाधन का दोहन करने से पहले उसके उपयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही क्या होता है, उसके अनुमति दी मिलेगी तो फिर क्या कर सकता है, वो उस चीज को बेच सकता है। तो ये है अपने बायोपायरेसी। तो बच्चों अपन, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको कुछ विचार लगते हैं तो अपने विचार पेश करें, कुछ कमेंट लिखें कि सर ये आप परिवर्तन करो ताकि मैं भी वीडियो बनाऊं, तो उस समय ध्यान रखूं। और आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को लिखें, मैं उसका सरल भाषा में वीडियो बनाकर आपको पेश करूंगा। थैंक यू बच्चों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में कम समय में अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स हैं, ये नैतिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ध्यान देना है आपको कि भाई नैतिक मुद्दा मतलब आप देखते हो कि कहीं नैतिकता हनन होती है तो आप वहां मुद्दा बना लेते हो। तो यही आपको लग रहा है किसी जीव के साथ अत्याचार हो रहा है तो आप तुरंत क्या करते हो, वहां पहुंच जाते हो। वैसे ही आप मेरे चैनल को भी थोड़ा मुद्दा बनाओ और उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। थैंक यू।